प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। कृषि मंत्री ने बारिश के कारण उतेरा फसलों के नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। प्रदेश में कोरोना वॉर रूम बनाने के साथ ही अस्पतालों को किया गया तैयार। और मौसम के रुख में नरमी जारी। बारिश और बदली के हालात अभी एक दो दिन और रहने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा भी लिया। गौरतलब है कि बीते दिनों श्री मोदी ने देश में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया था और अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों में इस बारे में समन्वय करें। आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए घर घर दस्तक अभियान पर जोर दिया। राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री द्वारा कोविड 19 संक्रमण के प्रबंधन के संबंध में आयोजित बैठक में अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। प्रदेश में द्रोणिका के कारण बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से उतेरा फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि नुकसान का आकलन करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं, साथ ही नियम के अनुसार राहत राशि भी जारी करने को कहा गया है। बारिश हुई है, इससे रबी फसल ज्यादा नुकसान हुआ है और विशेष रूप से उन जिलों में जहां रबी की खेती बहुत होती है, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर का एक हिस्सा, बलौदा बाजार भाटापारा का किनारे का हिस्सा, यहां चना की फसल, अलसी की फसल, मसूर की फसल, लाख लाखड़ी की फसल, तिवरा की फसल, उतेरा जैसी जो फसल है ये ज्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तीन फसलों के नुकसान के बारे में सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया जा चुका है। फील्ड अमला जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ, राजस्व के पूरे अमले के साथ जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा आकलन तत्काल कराया जाए। आरबीसी के तहत किसानों को तत्काल राशि का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हमने कहा है कि इंश्योरेंस का जो पैसा है उसके लिए भी इसको सर्वे करके तत्काल कंपनियों को भेजें और किसानों को इंश्योरेंस का भी लाभ मिलना चाहिए। श्री चौबे ने बताया कि बीमा कंपनियों को भी क्षतिपूर्ति राशि आंकलन के बाद नियम के अनुसार जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 5,476 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इस समय प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 9.25% है। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 1,785 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 27,425 सक्रिय मामले हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में किशोरों के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से काम कर रहा है।
अब तक 8,14,000 किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। 12 जिलों में 10वें दिन ही 50% किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 154,61,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के 5,488 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर शासन स्तर पर तैयारियां की गई हैं। राज्य स्तर पर कोरोना वॉर रूम बनाकर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी काम कर रहे हैं। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा मामलों को देखते हुए यहां विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके बारे में स्मार्ट सिटी रायपुर के महाप्रबंधक जनसंपर्क आशीष मिश्रा ने जानकारी दी। प्रशासन द्वारा थर्ड वेव को देखते हुए सभी तरह की एहतियाती कदम उठाए जा चुके हैं। पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की भी अपनी तैयारी है और इस समय चूंकि स्थिति बहुत ज़्यादा पहले जैसी नहीं है, इसलिए हम लोगों से होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं। जो भी लोग हैं होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन के लिंक पे जाकर अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो हमारे सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रूम है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो कंट्रोल रूम आपको होम आइसोलेशन के दौरान हर तरह की सुविधाएँ देता है। वहीं रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि जिला स्तर पर कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए 4800 बेड अस्पतालों में उपलब्ध हैं। वहीं ब्लॉक स्तर पर भी ऑक्सीजन के बेड पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सीरियस केस यदि आते हैं या जिनके घर में रहने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, खाना देने वाला बनाने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए हमने एक सिंपल सेंटर फुंडहर को बना रखा है जहाँ एसिम्प्टोमेटिक केस रहते हैं आइसोलेशन के रूप में। और जिनको ज़्यादा सीरियस हैं यदि, तो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों मिला के लगभग 4800 से ज़्यादा बेड हैं, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जिसमें एसडीयू की व्यवस्था है, जिसमें ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था है। ये ब्लॉक लेवल तक के हैं, मतलब ब्लॉक में भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर बघेल ने बताया कि जिले में टीकाकरण भी किया जा रहा है। किशोरों के टीकाकरण के साथ ही बूस्टर डोज भी पात्र लोगों को लगाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुंगेली जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के तहत जिले के लोरमी ब्लॉक में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स, स्वच्छता दीदी समेत पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। वहीं बूस्टर डोज सिर्फ उन बुजुर्गों को भी दिया जा रहा है जो कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी या दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। सफाई कर्मी बचन बाई गंधर्व ने कहा कि नगर पंचायत के 15 वार्डों में दो समूह के 28 स्वच्छता दीदी सफाई कार्य में लगे हुए हैं, जिनको तीसरा डोज लगाया गया है। बहुत हम काम करत हवन और हमला समय रहते हुए केंद्र सरकार हमारे ऊपर ध्यान देते हुए हमला दो टीका तो लग चुकी, तीसरा टीका भी समय से पहली हमला लग गई। अही हम चाहत हन केंद्र व सरकार ला हमन धन्यवाद करत हन। बीएमओ गजेंद्र सिंह दाऊ ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए अब तक 50 बेड ऑक्सीजन सहित तैयारियां हैं। साथ ही ब्लॉक के सभी प्राथमिक अस्पतालों में दो दो बेड ऑक्सीजन तैयार रखे गए हैं। इस समय जो हमें जो दिक्कतें हुई थी उन सबको ध्यान में रखते हुए एक तो हमारा जो कोविड केयर सेंटर है वो 20 बेड का, उसमें ऑक्सीजन के साथ में वो तैयार है जो आईटीआई में है, और इसके अलावा 30 बेड की ऑक्सीजन सप्लाई जो सेंट्रल सप्लाई है वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 50 बिस्तर अस्पताल है वहाँ पे ये भी तैयार है। इस तरह से कुल हमारे 50 बेड्स हमारे ऑक्सीजन के वो तैयार हैं। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर
मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। आईपीएस जीपी सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया। अदालत ने उन्हें 2 दिनों की रिमांड पर ईओडब्ल्यू और एसीबी के सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि रायपुर और दुर्ग पुलिस ने जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह, आय से ज्यादा संपत्ति और अवैध वसूली का मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने अदालत में जीपी सिंह से पूछताछ और सबूतों की बरामदगी के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 2 दिनों की रिमांड का आदेश दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा विकास खंड में कहानियों का पिटारा पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। जिले के 222 गांव के लिए कहानियों का पिटारा पुस्तकालय का औपचारिक शुभारंभ नवागांव कन्या स्कूल में किया गया, साथ ही किताब दान अभियान का समापन भी किया गया। गौरतलब है कि बाल दिवस के अवसर पर बीते 14 नवंबर को गौरेला विकास खंड के ग्राम अंजनी से किताब दान अभियान शुरू किया गया था। कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि इस अभियान में 26,640 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थी ताकि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके। आज किताब दान अभियान का समापन भी है और कहानियों के पिटारे का शुभारंभ भी है। 2 महीने पहले हमने एक पहल स्टार्ट की थी यूनिसेफ के साथ और प्रथम बुक्स के साथ कि हमारे ज़िले के जो 222 गांव हैं उन सभी 222 गांव में ऐसी कुछ किताबें हो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रीडिंग के प्रति, कहानियों के प्रति जागरूकता जगाए। और आज 2 महीने के अंत में 13,32,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़िले से, स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिससे 26,640 बुक्स हम इकट्ठा कर पाए हैं। कलेक्टर ने बताया कि यूनिसेफ के सीख कार्यक्रम के जरिए शुरू किए गए किताब दान अभियान को काफी सफलता मिली है। कोरोना काल में स्कूल से दूर रह रहे बच्चों के लिए सीखने सिखाने का ये एक बेहतरीन माध्यम रहा। यूनिसेफ का एक कार्यक्रम है जो 2021 में स्टार्ट हुआ था जब कोरोना की फर्स्ट वेव हिट हुई थी और स्कूल्स बंद हुए थे। तो यूनिसेफ के कुछ साथी, ज़िला प्रशासन, अनेक ज़िला प्रशासन के कुछ लोगों के साथ बैठ के एक ख्याल आया था कि अगर स्कूल्स बंद है तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उस सोच से ये सोच निकली थी कि बहुत सारे गाँव में ऐसे युवा है, ऐसी नई बहुएँ हैं या ऐसे सियान लोग हैं जो एजुकेशन के प्रति रुचि रखते हैं बट जिनके पास एक स्पेस नहीं होता है अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो यूनिसेफ का डिज़ाइन किया हुआ एक कार्यक्रम है जिसमें हर मोहल्ले के, उस मोहल्ले के 10 से 15 बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। उसके ऊपर एक सीख वॉलंटियर को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कम से कम 12वीं पास है, जो शिक्षा के प्रति रुचि रखे। और हफ्ते में 3 दिन यूनिसेफ इन गतिविधियों को भेजता है प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर्स या CSEs के माध्यम से। उस गतिविधि को हम वॉलंटियर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। गतिविधि भाषा, गणित और स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है और ऐसी गतिविधियाँ होती है जिनके लिए ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, किताबों की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर गणित सिखा रहे तो आपने लीव्स ले लिए, पत्तियाँ ले ली, पत्तियों से गणित सिखा दिया। अगर आप भाषा सिखा रहे तो आपने बच्चों को एक सिनारियो दिखा दिया कि ये देखो बस स्टॉप पे इतने लोग खड़े हैं तो अब इसको क्या बोलेंगे। तो ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसके लिए क्लासरूम स्ट्रक्चर की या क्लासरूम एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं है बट वो क्लासरूम लर्निंग को सपोर्ट करता है। सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत और मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने वर्चुअली कहानियों का पिटारा पुस्तकालय का शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। इन दोनों ने पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन, किताबों के उचित रखरखाव आदि में लोगों से सहयोग की अपील भी की। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में द्रोणिका के कारण मौसम का मिजाज बीते कुछ दिनों से बदला हुआ है। मौसम में हुए इस बदलाव के कारण 3-4 दिनों से बादल छाए हुए हैं, वहीं बारिश भी हो रही है और कहीं कहीं ओले गिरने की खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। आज देर शाम या रात को अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओला और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। 15 जनवरी के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि ऊपरी हवा में बने द्रोणिका के कारण मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है।
प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है। साथ ही एक द्रोणिका साउथ इंटीरियर कर्नाटक से नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा तक स्थित है। इसके कारण प्रदेश में आगामी 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि लगातार बदली और बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।